तो अभी ये फैशन प्लस, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि फैशन प्रो है, BS6 मॉडल है, तो ये अपने आप चालू करने पे चालू हो जा रही है, मतलब चाबी घुमा रहे बिना सेल मारे ही सेल चालू होता हूँ मैं आपको। देखो ये चाबी लगाया सेल पे, देखो मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, देख रहे हो। तो कभी भी आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आए BS6 में कोई भी गाड़ी के अंदर हीरो की, तो आपको चेक क्या करना, वो चीज़ मैं बताता हूँ। पहले देखो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है पहले रिले चेक करते हैं, तो ये रहा रिले बैटरी के बाजू में, ये मैंने अपने मैकेनिक के पास भी चेक करवाया ये, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसका प्रॉब्लम ये बता दूँ, इसमें क्लिक नहीं होगा, पर ये क्लिक हो रहा है, फिर ये उसके बाद सेल नहीं, मतलब सेल ले रही है, मतलब अगर क्या बोलते हैं, अगर रिले में कॉर्ड, तो ये जब इंगेज होता है टिक से आवाज़ आती है वो नहीं आएगी, यहाँ आई आवाज़ आ रही है, तो मतलब ये परफेक्ट है ये। तो दूसरी चीज़ चेक करते हैं आपकी सेल की स्विच, ये रही सेल की स्विच, ये रही यहाँ से आती है, तो मैंने खोल लिया है पूरा, तो ये रहा इसका कनेक्शन। तो फिर देखो आपको फिर से दिखाता हूँ, तो अभी सेम चीज़ अपने इसको निकाल के चेक करेंगे, दो चीज़ें चेक करते हैं, एक स्विच निकल गई, फिर स्विच घुमाते हैं, नहीं हुआ, फिर एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये नहीं हो रहा है। तो मतलब मेन प्रॉब्लम होता है इसके स्विच के अंदर, ये स्विच इसकी शॉर्ट टाइप की हो गई है, तो इसलिए ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जा रही है। तो ये स्विच खोलेंगे, बस आपको फोर पेल खोलना है, सैंपल लेके जाइए, इसमें ओरिजिनल ले आना, ये स्विच खोलना पड़ेगा, ये फोर पेल आता है इसको खोलना पड़ता है, यहाँ से स्विच निकल जाएगा, एक्सीलेटर साथ में रहता है, ये खोलना बहुत ज़रूरी है, यहीं से खोल के इसको निकाल लेंगे। तो ये पूरा असेंबली लेके जाना पड़ेगा सैंपल में, और ऐसे बोलोगे तो मिल भी जाएगा, तो इसको मैं निकालता हूँ। देखो निकालने में ये है, वो खुल गया, और फिर ये ऐसे निकालना है, ये एक्सीलेटर का केबल है, इसको किसी एक साइड इसको पुश करना है ऐसे ऐसे करके, और ये आपका छूटा हो गया, और ये स्विच आ गई बाहर, यहाँ से ये खोलेंगे एक्सीलेटर का केबल, और इसका सैंपल लेके जाएंगे मार्केट से, इसको लेके आएंगे इसकी स्विच। तो ये देखो मैं लाया दिखा के सैंपल में, तो हीरो का एक्चुअल में नहीं मिला, तो यूनो मिंडा मिल गया, तो ये भी जेन्युइन प्रोडक्ट टाइप की है, इतना ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छी ब्रांड है। कॉस्टिंग कितनी चार्ज की मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और यहाँ पे ये लिखा रहता है, देखो लिखा है डिलक्स है, फैशन प्रो है, स्प्लेंडर में BS6 में यही स्विच आती है, 135 रुपये MRP है, आपको 10-15 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आराम से। अलग अलग वेरी करता है, ये सनवाइज है, मतलब ये सभी आप 2 साल बाद वीडियो देखोगे तो बोलोगे भाव नहीं मिला जो मैंने बोला, तो साथ में जो इसकी क्वालिटी है इसकी जैसी ही एकदम, बहुत ज़्यादा वो नहीं डिफरेंस है, लेकिन बस उसमें हीरो लिखा आता है, इसमें हीरो नहीं आएगा, स्पार्क मंडा लिखा हुआ आएगा। तो इसको अपने टेस्ट करते देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं लगा रहा हूँ अभी, चेक कर लेते इधर पे डायरेक्ट, आपको मालूम पड़ जाएगा इससे, ठीक है। ये स्विच लगी हुई है, चाबी बंद करते फिर मैं चाबी चालू करता हूँ, तो नहीं हो रहा ना, अब मैं इससे ये मारूंगा सेल, यहाँ से चालू हो गया ना, तो मतलब ये फॉल्ट इसके स्विच का था, अब मैं स्विच फिट कर लेता हूँ। आपको एक फिल्टर का केबल इसमें चढ़ा लेना है, कुछ नहीं उसको घुमा कैसे खोलना है, और ऐसे खोल के उसको बिठा लेना है, और यहाँ पे इसके अंदर जैसे मैंने खोला था सेम ये पिन इसके अंदर ऐसे स्लाइड करना है, केबल है एक्सीलेटर का, और ये बैठ गया, और ये इसका हैंडल इसके साथ में ऐसे बैठ जाएगा, और इसको कर देंगे अपने टाइट, लग गया। देखो कपलर यहाँ कट टू कट कपलर भी बैठा दिया है, इसको डाल दो अंदर, पानी ना जाए इसलिए कंपनी थोड़ा रबड़ जैसा देखी थी, डायरेक्ट पानी ना जाए इसमें, ठीक है। और अपने इसको करते चाल, गाड़ी है नहीं चालू हुई ना, अब मैंने इसको दिया सेल, ये हो गई चालू, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीज़ ये जो सेल्फ स्टार्ट का ऑटोमेटिक है ना, ये प्रॉब्लम आती है स्विच खराब शॉर्ट हो जाने की वजह से, ठीक है। तो इसे आप रिप्लेस करके आपका ये काम सॉल्व कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो खत्म करते वीडियो, पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, आप मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अपने एक वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।